Yoga, yoga, yoga.
बस स्थिर होकर बैठें। कृपया अपनी आंखें खोलें। आप सभी को नमस्कारम। आप चाहे जहां भी हों, तो मैंने सुना है कि हमारे कुछ वॉलंटियर्स और साधक और जो लोग चीन से सत्संग में भाग ले रहे हैं वो थोड़े नाखुश हैं, क्योंकि कल मैंने कहा वुहान वायरस। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि भारतीय भाषाओं में यहां तक कि एक इंसान के लिए भी आमतौर पर हम उस जगह का नाम कहते हैं जहां से वे आए हैं और फिर उनका नाम। उदाहरण के लिए मेरे अपने पिता का नाम, जिसे आमतौर पर बीवी वासुदेव लिखा जाता है, यहां बी बेंगलुरु के लिए है जो एक जगह है, और लोगों को इस तरह से नाम दिए जाते हैं, पद्मजा, सोमजा, शैलजा। ये हमेशा उस जगह को संकेत करते हैं जहां से वे आते हैं, तो इसमें मुझे कोई अपमान नहीं दिखता, मुझे वाकई नहीं दिखा। मैं अब भी ये नहीं देख पा रहा हूं, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में
कल मैं सुन रहा था और वे सभी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे कुछ गलत नहीं दिखा, लेकिन वैसे भी अगर इससे आपको चोट पहुंचती है तो हम इसे बस द वायरस कहेंगे, ठीक है? ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कौन से राजनीतिक और दूसरे मुद्दे छिपे हैं, लेकिन हमारे लिए किसी चीज को उस जगह के नाम से पुकारना आम है जहां से वो आई है। तो मेरे ख्याल से ये हर जगह आम है, खासकर भारतीय भाषाओं में ऐसा करना आम है। खैर, दुर्भाग्य से दुनिया में मौतों की संख्या 30,000 को पार कर गई है और संख्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। कई देश एक दिन में 1,000 मौतों की ओर बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद हर जगह इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। अमेरिका में भी बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। 1,00,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, मौतें भी होनी शुरू हो गई हैं। भारत अभी भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके कारगर होने की वजह प्रशासन द्वारा जिले के स्तर पर किए जाने वाला ब्लॉकेज है। सौभाग्य से ज्यादातर लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है कि बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूर जो गांवों से, ग्रामीण भारत से शहरों में आए थे, वे अपने घर जाने को बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर पुरुष आबादी होती है जो इस तरह आती है। आमतौर पर उनके पास घर में या गांव में एक छोटी सी जमीन होती है। जब वे 6 से 8 महीने शहर में काम करने आते हैं तो औरतें जमीन की देखभाल करती हैं और वे आते जाते रहते हैं, लेकिन अब जब वो जानते हैं कि कोई काम नहीं मिलेगा और जीवन को खतरा है और उन्हें नहीं पता कि उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है, तो शहर से गांव की ओर मजदूरों का पलायन हो रहा है। सरकार उनके रहने की और खाने की व्यवस्था करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस घर वापस जाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्य से ये समझा जा सकता है कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से वे शहर में मौजूद वायरस को, शहर के द वायरस को, ग्रामीण भारत में ले जा सकते हैं, जहां अभी ग्रामीण भारत में ये ज्यादा नहीं है या ग्रामीण भारत में वायरस की मौजूदगी लगभग न के बराबर है, लेकिन ये लौटने वाले मजदूर इसे वहां ले जा सकते हैं। दक्षिण भारत में सिवाय केरल के ये ज्यादातर काबू में है, ये बढ़ नहीं रहा है। ब्लॉकेड या लॉकडाउन कारगर रहा है, लेकिन चुनौतियां आ रही हैं। हमें 1 हफ्ते या 10 दिन में देखना होगा कि भारत में क्या होगा। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, हम में से हर एक, क्योंकि इंसान के दिमाग में एक समस्या है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, कुछ नहीं हुआ, वे ढीले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ यानी क्या? आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग मर जाएं? क्या यही कुछ होना हुआ? कुछ नहीं हुआ यानी हर कोई ठीक है। ये ढीले पड़ने का समय नहीं है, ये रिलैक्स करने का समय नहीं है। हमने हर किसी के बर्ताव का जो बुनियादी तरीका तय किया है, कृपया उस पर कायम रहिए और सारी वैज्ञानिक भविष्यवाणियों और गणनाओं के अनुसार ये काफी लंबा खींच सकता है। लेकिन आप में से वो लोग जो कम से कम ऐसा मानते हैं कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, ये एक अच्छा समय है, क्योंकि आज की दुनिया में जहां इस तरह का हमला है, ध्वनियों का, रंगों का और दृश्यों का हमारी इंद्रियों पर,
कहने का मतलब, अगर आप 100 साल पहले यहां होते तो आपने अपने चारों ओर हरियाली, भूरी धरती और नीला आसमान देखा होता। अगर आपको कुछ अधिक नाटकीय देखना होता तो आपको सूरज के ढलने का इंतजार करना होता या जल्दी उठकर सूरज के उगने का इंतजार करना होता। बाकी पूरे दिन बस यही होता था। अब ऐसा नहीं है। अगर आप अपने टेलीविजन को चालू करते हैं तो कई तरह के रंग हर समय चालू रहते हैं, या अगर आप अपना फोन खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड वहां हो रहा होता है। जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं वो वहां मौजूद है। तो विजुअल इनपुट और ऑडियो इनपुट की मात्रा आज इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर लोगों के लिए भीतर की ओर मुड़ना एक बहुत ही दूर की चीज लगती है। ये एक अच्छा समय है खुद की जांच करने का और इस अवसर का उपयोग करने का भी। योग में एक आयाम है, अष्टांग योग में एक आयाम है। अष्टांग योग, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, ये कोई ब्रांड नहीं है। अष्टांग का अर्थ है 8 अंगों वाला योग। योग के 8 अंग हैं। उन अंगों में से एक है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों के जुड़ाव को बाहर की दुनिया से हटाकर उसे भीतर की ओर मोड़ना। आज की दुनिया में लोग समझ भी नहीं सकते कि यह क्या है। वैसे आप में से कई लोग जो साधना के दौर से गुजर चुके हैं, आपने इसका अनुभव किया है। वैसे मेरे साथ चीजें होने के पहले भी, जब मैं जंगलों में चला जाता था बस जंगल का आनंद लेने के लिए और बस चलने के लिए, कई हफ्तों तक जब मैं जंगलों में अकेला चलता रहा, तब मुझे एहसास हुआ कि बस इंसानों के चेहरे न देखने से कुछ हफ्तों के लिए आपके साथ कुछ असाधारण होता है। वहां जंगली जानवर तो थे, लेकिन कई हफ्तों तक कोई इंसानी चेहरे नहीं। मैंने अपने सिस्टम में एक बहुत ही अलग चीज देखी, एक तरह की ऊर्जा और उत्साह जो इस तरह का था मानो मैं जमीन के कुछ इंच ऊपर चल रहा हूं, इस तरह का एहसास। हालांकि ज्यादातर इन हफ्तों में मैं काफी हद तक भूखा था। नहीं, मैं हंस रहा हूं बस भूख के दर्द पर अभी, क्योंकि वो बहुत दर्दनाक थे। लेकिन फिर भी मैं इस तरह से ऊर्जावान था कि मानो मैं जमीन से लगभग कुछ इंच ऊपर चल रहा हूं, उस तरह का एहसास। और मुझे एहसास हुआ कि जब मैं पेड़ों और जानवरों को देखता हूं तो जुड़ाव एक तरह का होता है। बस उसे देखना, उसे सराहना, या वो जो है उसे बस वैसा ही देखना। लेकिन जब आप इंसानी चेहरों को देखते हैं तो जाने अनजाने में एक तरह का लेन देन होता रहता है। पसंद नापसंद, स्वीकृति अस्वीकृति, कई सारी चीजें हो रही हैं। आपको इसमें भाग लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बस किसी को देखते हैं तो यह हो जाता है। तो तब से ही मैंने अपनी आंखों को अधिक से अधिक बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, दिन में कई घंटों तक सजग रह के आंखें बंद करना, सोना नहीं, तो आप देखेंगे कि आपको ऊर्जा का एक नया आयाम उपलब्ध हो जाता है। प्रत्याहार का यही अर्थ है कि आपने संसार के साथ अपने इंद्रियों के जुड़ाव को हटाकर उसे भीतर की ओर मोड़ दिया। अगर आप इच्छुक हों तो इसके लिए ये एक अच्छा समय है। आप चाहे जहां भी हैं, इसके साथ प्रयोग करने के लिए कि अगर पूरे दिन नहीं तो मान लीजिए कि दिन में 6 घंटे या 12 घंटे या आपके लिए जो भी संभव हो, आप 1 घंटे या 2 घंटों के साथ भी शुरू कर सकते हैं। बस अपनी आंखें बंद रखना, किसी भी चीज को ना देखना। शुरू में शायद आपका मन हर जगह जाए, कोई बात नहीं, इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये जहां जाना चाहे उसे जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ये कहीं नहीं जाता, ये सिर्फ पुरानी चीजों को फिर से दिखा रहा है। अरे मेरा मन कहीं चला जाएगा, नहीं, आपका मन कहीं नहीं जाता।
आपको इसी भ्रम को तोड़ना है कि आप मानते हैं कि आपका मन कहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि आप मानसिक प्रक्रिया को अस्तित्व की सच्चाई समझने की गलती कर रहे हैं। मानसिक प्रक्रिया बस आपके द्वारा बनाई गई है। अपनी खुद की बेवकूफी भरी और बुरी तरह निर्देशित फिल्म चलाकर आप ये समझ रहे हैं कि यही सच है। दिस इज अ गुड टाइम, ये एक अच्छा समय है कि आप इसे दिन के दौरान करके देखें। समय का एक हिस्सा, चाहे वो जितना भी हो, आप अपनी आंखें बंद करके बैठिए। लेकिन कुछ, किसी ने कुछ शोर किया, किसी ने कुछ किया, अरे ऐसे नहीं। खास तौर पर जब आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है तो आपको अपनी आंखें बंद करनी ही चाहिए। हाँ, क्योंकि दुनिया के साथ आपके काम को सचेतन होना चाहिए। बस अगर दुनिया के साथ होने वाले काम सचेतन हो तो दुनिया के साथ आप चाहे जितना भी काम करें, यह आपको बेचैन या घबराहट में नहीं छोड़ेगा। जब दुनिया के साथ आपके काम मजबूरन और प्रतिक्रिया भरे होते हैं, फिर आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें भी लोगों को बावला कर रही हैं। ज्यादातर इंसानों को बस रोजी रोटी कमाना, परिवार का ख्याल रखना, एक दिन मर जाना, इसके लिए लोग जितनी बेचैनी से होकर गुजर रहे हैं वो अविश्वसनीय है। ये उचित भी नहीं है कि बस उन सरल सी चीजों को करने के लिए जिन्हें हर दूसरा प्राणी कर रहा है। अभी गौरैयों को देखिए, वे शाम के घरेलू कामकाज को निपटा रहे हैं एक चिड़िया के दिमाग के साथ, लेकिन वे उसे अपने ही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए इंसान इतने बड़े दिमाग के साथ बावले हुए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के साथ उनके काम मजबूरी भरे हैं, सचेतन नहीं। ये एक अच्छा समय है आपके लिए इसके साथ प्रयोग करके देखने का कि आप अपने जीवन में थोड़ा प्रत्याहार लेकर आएं। आप जहां कहीं भी हों, आप जो कोई भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करके बैठिए। कोई बात नहीं, मन दौड़ लगा रहा है, उसे दौड़ने दीजिए। उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं है, तीनों पैडल एक्सेलरेटर हैं। आप इसे चाहे जिस भी तरह से छुएं, इसकी गति बढ़ती ही जाएगी। तो कुछ भी मत कीजिए, ये दौड़ेगा। ये दौड़ेगा क्योंकि कर्म ने इसे गति दे रखी है। अगर आप बस इसे कुछ समय के लिए बिना ध्यान दिए छोड़ दें तो वो धीमा होने लगेगा और रुक जाएगा। मन को रोकने या न रोकने के बारे में चिंता मत कीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि बाहर की दुनिया के साथ शामिल ना हो, आप जितने भी घंटों के लिए कर सकें। एक घंटे से शुरुआत कीजिए, इसे बढ़ाकर दिन में 6 से 12 घंटे कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास शिखर तक पहुंचने के लिए जरूरी ऊर्जा होगी। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या कि क्यों इंसान अपने भीतर आनंदमय और उल्लासित नहीं बन पा रहे हैं, इसका कारण है ऊर्जा की कमी। अगर वे 3 मिनटों के लिए आनंदित हैं तो फिर वो डूब जाएंगे। दरअसल समाज में इस तरह की कहावतें हैं। समाज में लोग मानते हैं कि अगर आज आप बहुत ज्यादा आनंदित बन जाते हैं तो कल आप दुखी बन जाएंगे। समाज में आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इतने खुश मत रहो क्योंकि कल तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि उनकी बैटरी ऐसी ही है कि अगर आज वे बहुत उल्लासित हैं तो कल वो उदास हो जाएंगे। तो प्रत्याहार एक मुख्य तत्व है सिस्टम में उस तरह की ऊर्जा का निर्माण करने के लिए जो जीवन के किसी भी अनुभव को सहजता से संभाल ले और आपको नीचे न गिराए। ये प्रत्याहार की ओर जाने का अच्छा समय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपनी विचार प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, वो भीतर नहीं है, वो भी दुनिया के साथ शामिल होना है। नहीं नहीं, मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, मैं बस सोच रहा था। वो भी दुनिया के साथ शामिल होना है क्योंकि आपका विचार आपका नहीं है। विचार का पूरा माल बाहर से आया है। आप अपने सिर में एक निजी दुनिया चला रहे हैं, लेकिन कोई निजी दुनिया नहीं है। अस्तित्व के स्तर पर सिर्फ एक ही दुनिया है, या तो आप इसमें जीते हैं या नहीं जीते। आपकी निजी दुनिया वो पागलखाना है
जिसे आपने बनाया है, कभी कभी बेशक ये आपको थोड़ा सुख देता है, लेकिन एक काल्पनिक मनगढ़ंत दुनिया में रहना ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। खासकर अगर आप, लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा भ्रम टूट गया, ये मेरा आशीर्वाद है कि आपका भ्रम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टूट जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके सारे झूठे भ्रम नष्ट हो गए। क्या इसे जीवन की शुरुआत में ही नहीं हो जाना चाहिए? इसे जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए कि आपके सारे भ्रम टूट जाएं। ये मेरा आशीर्वाद है कि आप इस अस्तित्व की आलिशान सुंदरता में जिए, अपने खुद के भ्रम में नहीं, चाहे वो अभी जितना भी मधुर दिखता हो। सद्गुरु, पहला सवाल जॉर्डानो का है। नमस्कारम सद्गुरु, वो कहाँ से हैं, हम पूछ सकते हैं या नहीं? सद्गुरु, इसमें नहीं लिखा है, ये सवाल सोशल मीडिया पर आया है। ठीक है, हम उनसे नहीं पूछ सकते क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ से आया है। अगर यहाँ एक योगी की तरह रहना इतना आनंददायक है तो कोई पुनर्जन्म के चक्र से क्यों भागना चाहेगा? आपको भागना शब्द निकाल देना चाहिए। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मुझे यकीन है कि आप में से हर एक व्यक्ति स्कूल गया होगा। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए स्कूल का अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन कई लोगों के लिए स्कूल का अनुभव बहुत अच्छा था। खासकर आप में से वो लोग जिन्हें बहुत कुछ सीखने या फर्स्ट आने वगैरह की चिंता नहीं थी, आपने बस अपने दोस्तों के साथ लुफ्त उठाया या खेलना, मजे करना या जो भी, आपके लिए स्कूल का अनुभव बहुत अच्छा था। तो जब आपने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो क्या आप स्कूल से भाग गए या आप स्कूल से पास होकर निकल गए? हम नहीं जानते, शायद जॉर्डानो अपने स्कूल से भाग गए थे, इसका मतलब है कि वो पास नहीं हो पाए। आमतौर पर ज्यादातर लोग पास हो जाते हैं और वे जीवन के अगले पड़ाव पर चले जाते हैं। जब आप स्कूल में थे, स्कूल भले ही कितना भी अच्छा हो, क्या आप कॉलेज जाना चाहते हैं? बिल्कुल, इंसान का यही स्वभाव है, ये चाहे जितना भी अच्छा हो, आप जीवन के अगले पड़ाव पर जाना चाहते हैं। कोई चीज बहुत अच्छी है तो मैं यही चीज जीवन भर करूंगा, ये जीवन को देखने का एक बेवकूफी भरा तरीका है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जीवन आपके लिए बहुत जबरदस्त है, ऐसा उसकी ओर कदम बढ़ाने के डर से हो रहा है जो आपके लिए अनजान है, बिल्कुल अनजान, पूरी तरह से अनजान। ऐसा हुआ एक बार, बुरा समय आया और शंकरन पिल्लई एक मजदूर बन गए। एक बिल्डिंग बन रही थी और उन्हें ईंटें उठाकर कई मंजिल ऊपर ले जाना था। फिर उनके साथ काम करने वाले एक साथी मजदूर ने देखा कि शंकरन पिल्लई जितना ठेकेदार ने कहा है उससे ज्यादा ईंटें उठाकर ले जा रहे हैं, ज्यादा। हर कोई 8 ईंटें उठा रहा है, शंकरन पिल्लई 12 ईंटें उठा रहे हैं। तो 8 ईंटें ही बहुत भारी हैं और आप ऊपर जा रहे हैं, कई मंजिलों पर चढ़ रहे हैं। वहां पहुंचकर वो बस उसे फेंक देते हैं और नीचे आते हैं, बस खाली हाथ नीचे आने का ही सुख है। तो लंच के समय इस दूसरे मजदूर ने शंकरन पिल्लई से पूछा, तुम 12 ईंटें क्यों उठा रहे हो, सिर्फ 8 ही उठाने की जरूरत है, 8 उठा के भी तुम्हें पूरी मजदूरी मिलेगी, तुम 12 क्यों उठा रहे हो? शंकरन पिल्लई ने कहा, तुम नहीं जानते कि वो ठेकेदार कितना मूर्ख है, मैं तब से उन्हीं ईंटों को ऊपर नीचे कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कई लोग हैं
वे उसी समान को ढो रहे हैं, ऊपर नीचे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जीवन करुणामय है, सृष्टि करुणामय है। ये आपकी यादों में पर्दे लगा देती है। अगर ये पर्दे फाड़ दिए जाएं, तो आप अभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। अगर आपको एहसास हो जाए कि आप वही बेवकूफी भरा काम 100 बार करते रहे हैं और आप अभी भी वही काम उसी गलतफहमी के साथ कर रहे हैं, तो आप खुद को लात मारना चाहेंगे। तो वो जिसने इन पर्दों को फाड़ दिया है और उसकी वजह से दुखी नहीं हुआ है, इसी वजह से किसी की याददाश्त को वर्तमान के दायरे के पार खोलने से पहले एक बहुत ही मजबूत मानसिक बुनियाद की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक नहीं, मानसिक बुनियाद। क्योंकि अगर आपके पास बहुत स्थिर मानसिक बुनियाद नहीं है और अगर याददाश्त के पर्दे फट जाते हैं, तो लोगों का दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। जब लोग एक जीवन के अनुभव के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं, पूरा जीवन नहीं जिया, 30 का होते होते ही वे अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी यादों से जूझ रहे हैं और वे दुखी हैं। मान लीजिए कि आप 3 जीवन कालों की यादों को खोल देते हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग इसे संभाल सकेंगे? वे पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। तो इसी वजह से जीवन की करुणा, सृष्टि की करुणा याददाश्त के हिस्सों को अलग अलग रखती है, ताकि आपको एहसास ना हो कि आप वही काम बार बार कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सुंदर, शानदार और अद्भुत है। अगर आप एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं, मैं काम करूंगा, जो भी आपका पसंदीदा म्यूजिक है मैं उसे चलाऊंगा, यहां नहीं, मैं उसे आपके दिमाग में चलाऊंगा नॉनस्टॉप अगले 21 दिनों तक। With this fantastic music, you will go crazy. इस शानदार म्यूजिक से आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉनस्टॉप चल रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को जब एहसास होता है कि वही चीजें एक चक्र में बार बार हो रही हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से इस चक्र को तोड़ना चाहेगा। आप भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको इससे परे की किसी चीज तक जाने की सीढ़ी मिल गई है। अगर आप जाते हैं, अगर आप जीवन के एक चरण को छोड़कर जीवन के दूसरे चरण में जाते हैं, तो इसे भागना नहीं कहते, इसे उन्नति कहा जाता है या मुक्ति। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम